तुम वोट तो नहीं दोगे यार, वोट मत देना मियां, पर फिर से स्वीकार तो करो रईस मियां, अगर आज तुम इस मकान में दे रहे हो ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग पार आज योजना में मोदी जी ने संतोष दिया है। अरे अरे बंद करो यार, ये कहते हुए बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने कैमरा बंद करा दिया। आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आलोक शर्मा को कैमरा बंद करवाना पड़ा, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता जो है वो लगातार प्रदेश भर के दौरे में है और इस दौरे के दौरान वो संबोधित कर रहे हैं जनता को। ऐसे ही एक बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को रतलाम में संबोधित करते हुए बीजेपी नेता आलोक शर्मा के बोल बिगड़ गए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर पहले तो विवादित बयान दिया और जब उन्होंने देखा कि ये बयान उनका कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है तब वो कैमरा बंद करवाने लगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ हुआ है रतलाम में, एक बार आप भी देखिए। देना चाहता हूं दिल मन से क्योंकि तुम वोट तो नहीं दोगे यार, वोट मत देना मियां, पर दिल से स्वीकार तो करो रईस मियां, अगर आज तुम इस मकान में दे रहे हो ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग पार आज योजना में मोदी जी ने संतोष दिया है। अरे आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा रतलाम पहुंचे हुए थे। यहाँ पर जावरा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को वो मंच से संबोधित कर रहे थे। संबोधन देते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय से वोट ना देने जाने की अपील भी वो करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो विवादित था और जब उन्होंने देखा कि ये तमाम बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है तब उन्होंने कैमरा बंद करने की बात कही। फिलहाल बीजेपी नेता आलोक शर्मा की तस्वीरें और ये पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपका क्या कुछ इस वीडियो को लेकर कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।